कोरोना जो है भारत में पैर फैला चुका है, हमारे यहाँ टेस्ट में लापरवाही की जा रही है। हम झेल रहे हैं जो चीज़ ना, वो आप लोग कभी ना झेलें। मैं आप लोग को पैर पढ़कर निवेदन करता हूँ मेरे भाइयों, कोरोना को हल्के में मत लीजिए आप लोग। देशर विभिन्न प्रांत एतिया कोरोनाय भयंकर रूप धारण करिछे, द्रुतगति बियपिछे कोरोना। किन्तु आजि आमि आपनालोकक देखुवाम एगराकी युवकर एटा विशेष भिडिओ। बनारस में 5000 से प्लस केसेस हो चुके हैं कोरोना के, और हम मानो सुधरने को तैयार नहीं हैं। एगराकी युवके कई गई कोरोनार भयावहतार कथा, कैसे कोरोना सहज भावे नलब। मैं आप लोगों को पैर पढ़कर निवेदन करता हूँ मेरे भाइयों, कोरोना को हल्के में मत लीजिए आप लोग। प्रयोजन है घर पड़ा बाहर ले ला, घर से बाहर तभी निकलिए मेरे दोस्त जब कुछ जरूरत की चीज लानी हो, और निकलना है तो अकेले निकलिए मेरे दोस्त, झुंड बना के मत निकलिए। मैं जी कष्ट आसो अपना जाते हे कष्ट थकब नागे, राजहुआ स्थान मास्क पिंधे ऊलब। मैं यही भगवान से दुआ करता हूँ कि जो चीज मैं झेल रहा हूँ, मैं इतना पीड़ा में हूँ, मैं इतना कष्ट में हूँ, आप लोग ना झेलें। हस्पताल विचनार पड़ा एगराकी किशोरकाम तिवारी आसिल या फेसबुक लाइफ, और तिवारी फेसबुक लाइफ इतिया होइ पड़िछे भाइरल, क्यों मृत्यु पूर्वे ए आसिल किशोरकाम तिवारी शेषर तो फेसबुक लाइफ। सभी को राम राम, जय श्री राम। मैं किशोर तिवारी, और मैं लाइव आया हूँ कि पॉपुलेशन कंट्रोल का काम चल रहा है, और अपनी जान की सुरक्षा अपने हाथ में ही रखें। कोरोना भयानक रूप ले रहा है धीरे धीरे। कल आप लोगों ने देखा बनारस में 5000 से प्लस केसेस हो चुके हैं कोरोना के, और हम मानो सुधरने को तैयार नहीं हैं। हम आम आदमी अपनी ज़िंदगी को गंवाने के लिए तत्पर हैं। मास्क का प्रयोग न करना, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग न करना, तो आप अपने मौत को दावत न दें। पॉपुलेशन कंट्रोल चल रहा है, अगर आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो आपके साथ साथ आपका परिवार भी उस कोरोना की आगोश में समा सकता है। तो मैं किशोर तिवारी एक समाजसेवी संगठन चलाता हूँ। मैंने इस कोरोना को बड़ा करीब से देखा है। 24 मार्च से मैं सड़कों पर दौड़ रहा हूँ 2020 से। मैंने इस कोरोना को समझा, मैंने इस कोरोना को जाना है। और आप लोग इस कोरोना को जो हल्के में ले रहे हैं, इसे हल्के में ना लें, क्योंकि अब कोरोना जो है भारत में पैर फैला चुका है, बहुत लंबा पैर छलांग लगा चुका है। टेस्टिंग नहीं होने के कारण यह केस धीरे धीरे सामने आ रहा है, लेकिन टेस्टिंग जिस दिन पूरे टेस्ट करा दिया जाए पूरे बनारस का या पूरे भारतवर्ष में, तो दुनिया में सबसे पहले नंबर पर कोरोना के मरीज ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भारत में पाए जाएंगे। हमारे यहाँ टेस्ट में लापरवाही की जा रही है। नाक में जो सिम्टम्स निकालने के लिए जो डाला जाता है, उससे सही तरीके से प्रयोग भी नहीं किया जा रहा है, और किसी को निगेटिव किसी को पॉजिटिव रिपोर्ट बताकर उसे क्वारंटाइन करा दिया जा रहा है। तो मेरे बंधुओं, मेरे भाइयों, मैं तो टाइफाइड से ग्रसित हूँ, टाइफाइड से बुखार से टूट चुका हूँ। काफ़ी ज़्यादा टाइफाइड हो गया था मुझे, और 103 डिग्री तक मुझे फीवर है, बुखार है। अभी मैं 40% कह सकते हो कि मैं ठीक हो गया हूँ, ठीक है। और मैं आप लोगों से यही कहूँगा, बार बार कहता हूँ, मुझे आप लोग की बहुत चिंता होती है, बहुत फिक्र होती है, क्योंकि आप लोग हमारे लिए बहुत ही अतुलनीय हैं, आप लोग हमारे लिए बहुत सम्मानित हैं। तो मैं यही कहूँगा कि घर से बाहर तभी निकलिए मेरे दोस्त जब कुछ ज़रूरत की चीज़ लानी हो, और निकलना है तो अकेले निकलिए मेरे दोस्त, झुंड बना के मत निकलिए। अभी ठीक नहीं चित्रंजन भैया, अभी ठीक नहीं भैया हो, अपन दुखवा तो लोग से कैसे कहें। हम झेल रहे हैं जो चीज़ ना, वो आप लोग कभी ना झेलें। मैं यही भगवान से दुआ करता हूँ कि जो चीज़ मैं झेल रहा हूँ, मैं इतना पीड़ा में हूँ, मैं इतना कष्ट में हूँ, आप लोग ना झेलें। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को पैर पढ़कर निवेदन करता हूँ मेरे भाइयों, कोरोना को हल्के में मत लीजिए आप लोग कोरोना को हल्के में मत लीजिए, ठीक है। हल्के में मत लीजिए कोरोना को, जब काम हो तो घर से निकलिए, अन्यथा बिल्कुल मत निकलिए। भाई मुझे भी फीवर चालू हो गया है 2 दिन से। आनंद तिवारी जी, कोविड का टेस्ट करा लीजिए एक बार, कोविड टेस्ट जरूर करा लीजिए।
বানারসর এগৰাকী কিশোরকান্ত তিওয়ারী তেওঁ এগৰাকী সমাজ সেৱক বেনারসিত থকা দৰিদ্ৰ লোকৰ বাবে তেওঁ আৰম্ভ কৰিছিল ৰুটি বেংক দৰিদ্ৰ আৰু গৃহহীন লোকে যাতে ভোকত থাকিবলগীয়া নহয় তাৰ বাবে ৰুটি বেংকৰ জৰিয়তে তেওঁ দৰিদ্ৰ লোকসকলৰ সেৱা কৰিছিল কিন্তু এগৰাকী কিশোৰ তিওয়ারী হঠাৎ কৰোণাত আক্ৰান্ত হয় আৰু তাৰ পিছত তেখেতক লৈ যোৱা হয় হাস্পতাললৈ চিকিৎসাৰ সময়ত বহু কষ্ট পাইছিল তিওয়ারী আৰু সেইবাবেই এটা ফেচবুক লাইভ কৰি 11 এপ্ৰিল তাৰিখে তেওঁ এই কথা বৰ্ণনা কৰিছিল ফিভাৰ হোৱা হে গলা সুখ ৰহা হে খুচবু নাহি আ ৰহি হে আৰু কোই চিজ কা মহক নাহি আ ৰহা হে আপ কোভিড কা টেষ্ট কৰা লিজিয়ে ঠিক হে আইডিয়েল উইমেন সে চিকিৎসা লাভ কৰাৰ পিছতো তিওয়ারীৰ শৰীৰৰ অৱস্থা পৰিৱৰ্তন নহল 12 এপ্ৰিলত তেওঁ পুনৰবাৰ ফেচবুকত লিখিলে মোৰ শৰীৰৰ অৱস্থা অতিকৈ বেয়া আৰু বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত সকলোকে কন্দুৱাই এইগৰাকী সমাজসেৱকে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিলে এগৰাকী যুৱকে এইদৰে কৰোণাত মৃত্যুক সাৱটি ল'বলগীয়া হ'ল এনেকুৱা ঘটনা হয়তো দেশত পুনৰবাৰ দ্বিতীয় ৱেভৰ লগে লগে আৰম্ভ হৈছে কিন্তু বহুতেই কৰোণাক এতিয়া গুৰুত্ব দিয়া নাই ৰাজনৈতিক নেতাসকলেও নিৰ্বাচনৰ নামত কৰোণাক গুৰুত্ব দিব বিচৰা নাই গতিকে সময় থাকোঁতেই সকলো সাৱধান হওক এই সাৱধানবাণী দি গ'ল মৃত্যুৰ পূৰ্বে ফেচবুক লাইভৰ জৰিয়তে কিশোৰকান্ত তিওয়াৰীয়ে বনাৰস মে 5,000 প্লাছ কেছেছ হৈ চুকে হে কৰোণা কে আৰু হম মানো সুধৰণে কো তৈয়াৰ নাহি হে মই আপোনালোক পেৰ পঢ় কৰ নিবেদন কৰোঁ মেৰে ভাইও কৰোণা কো হলকে মে মত লিজিয়ে আপোনালোক ঘৰ সে বাহাৰ তভি নিকলিয়ে মেৰে দোস্ত জব কুছ জৰুৰত কি চিজ লানি হো আৰু নিকলনা হে তো অকেলে নিকলিয়ে মেৰে দোস্ত ঝুণ্ড বনা কে মত নিকলিয়ে মই এই ভগৱান সে দুৱা কৰোঁ কি জো চিজ মই ঝেল ৰহা হওঁ মই ইতনা পীড়া মে হওঁ মই ইতনা কষ্ট মে হওঁ আপোনালোক না ঝেলে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট টাইম 8